संसद प्रतिनिधि रहे ऐसे वीरा प्रसाद गैरी जी हमारे बीच रहने वाले हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए एक बार पूरे संगनाथ हो और माँ पाता नंदा क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की शुभकामनाओं के साथ अब आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आज के दिवस पर जो ये अंतिम और फाइनल मैच होना है उसका आनंद लेने आप अवश्य आएंगे और हम सब अमेरिकी लोगों का आप मनोबल बढ़ाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपके बीच में यूट्यूब चैनल से प्रचार और प्रसार कर रही है और स्वयं मैं भी उनका व्यक्तिगत रूप से शारीरिक सहयोग इस क्रिकेट टूर्नामेंट को मिल रहा है। आपके साथ जय भारत जय उत्तराखंड। हमारे हरियाणा की टीम आ गई और कितनी बढ़िया आदित्य पांडे पांडे याद रहे ना भाई नाम भूल गई। हाँ बेस्ट ऑफ लक। चलो हमें भी लो राम राम। हेलो भाई राम राम जी राम राम। हाँ भाई ठीक है अच्छा धन्यवाद और सादर प्रणाम। मैं खोली समाज में आगे तो अच्छी शुद्ध वायु और जो, जो जो पानी है वो प्राप्त हो रहा है लेकिन वे लोग भी हमारे ही भाई बहन हैं। वे लोग ही इसी मानव सभ्यता का हिस्सा है जो संघर्ष कर रहे हैं। उनके उत्साह में कहीं कमी नहीं दिखेगी। ठीक उसी तरह आज संघनाथ ग्रुप ने लोगों के साथ जो ये ड्रेस पहनी है मैं समझता हूँ ये एक संदेश भी देती है और इसी समाज का स्वतंत्रता और भाईचारे के साथ पूरे टूर्नामेंट का आयोजन। अगर प्रसाद गैरी जी भी है उनको भी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां। मैं पुनः संघनाथ विभाग माँ पाठावार नंदा क्रिकेट अकेडमी की ओर से भागवत प्रसाद गैरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार सत श्री अकाल जय हिंद जय भारत। तो कैसे आप सब आशा करती हूँ प्रयासित स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं सोनिया चौहान चौहान ASKL ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और एक बार फिर से पहुँचे हैं हम गैरसन के क्रीड़ा मैदान में। जी हाँ और जो शंखनाद ग्रुप द्वारा जो ये आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही है उसमें जो है आज समापन है। और आज समय सभी का मान्य आचार्य
समय मैदान पे चल रही है। बहुत बढ़िया, मतलब कांटे की टक्कर से बहुत बढ़िया। 1100 रुपए की धनराशि दी जाएगी और एक शानदार से फोन के द्वारा उनके टीम मैनेजर और कप्तान और पूरी टीम के द्वारा कहा जाएगा, एक शेयर बुलाव नया वो दिया जाएगा। मेरा हमारे जितने विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि, उनके हम लोग खड़े ना हो, उनके पीछे का जो कैप है, क्योंकि जो हमारे भव्य सम्मानित दर्शक हैं, सम्मानित जो हमारे यहाँ पे आए हुए जो बाहर से विशेष अतिथि लोग हैं, समझ चाहते हैं उनके स्मृति चिन्ह से सुशोभित करने का कष्ट करेंगे। अभिषेक आर्य इंजीनियर साहब द्वारा इस समय अभिषेक आर्य जी को श्री अविनाश कंद जी और ऐसा अपने पंजी को भी ये पुरस्कार दिया जा रहा है। द्वारा ये पुरस्कार इस तरह से आमंत्रित हुए इस समय अपना लोक देवी जी ड्रिंक्स की ट्रॉली की पूरी जिम्मेदारी से अदालत ने निभाई साहब है। बड़े कार्य के लिए श्रीमान जगदीश राज जी द्वारा ये दिया गया स्मृति पत्र होने आदि को ग्रहण करने का कष्ट करें। स्मृति चिन्ह श्रीमान भागवत प्रसाद गौरी जी को भेंट करना चाहते हैं और श्रीमान प्रेम चंदन दंता जी आपसे आग्रह है कि आप आकर ये पुरस्कारों से माँ भगवती का भंडारा होना है 26 जनवरी बसंत पंचमी को देवी के दरबार में। आप सब आमंत्रित हैं, जो कि संरक्षक हैं और उनके साथ सारी कार्यकारिणी के सदस्य, अध्यक्ष से लेकर अन्य सभी कार्यकारिणी के सदस्य, कृपया मुख्य अतिथि श्रीमती ससी देवी सौर्य क्षेत्र पंचायत पंचायत कौचर के पूर्व अध्यक्ष एवं जी द्वारा उपजेता टीम के सदस्यों के जो उनके नगर पंचायत के अध्यक्ष, आप कृपया आ करके मंच में तीन नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमान पुष्कर सिंह रावत जी द्वारा समय मंच पर सभी सदस्यों को और आप बने रहेंगे। और ही नवजोत, रितेश, अमर, धीरू और मुकेश पटवार, आप इस समय जो विजेता श्रीमान दिगंबर प्रसाद गहरी जी, आपसे आग्रह है कि आप विजेता एक प्रखर वक्ता और एक चैंपियन टीम है, चैंपियन टीम के खिलाड़ियों को इस समय सिर्फ एक पुरस्कार आपका प्रदान करेंगे। चाहते श्री सभासद जगदीश ढोलिया द्वारा इस समय विजेता टीम के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। श्रीमान अनिल अग्रवाल जी आप कृपया मंच तो देने का कष्ट करेंगे। तो इस तरह से श्रीमान जगदीश राज जी आपसे आग्रह करना चाहेंगे तो आप कृपया मंच पर आकर एक सदस्य को उनका स्मृति चिन्ह आप आए। श्रीमान कमलेश कर्मोला जी आपसे कृपया जीते हुए टीम के सदस्यों को उनका स्मृति द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। श्रीमान कमलेश कर्मोला जी हमारे जीते हुए सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। काम आए हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए एक बेहतरीन सुपुत्र है। इस समय माँ भगवती पाथाबाग नंदा के मुख्य पुजारी श्रीमान पंकज जैन जी अध्यक्ष संगना ग्रुप, उनको मैं आवाज देना चाह रहा हूँ कि आप इस बेहतरीन सहयोग के लिए श्रीमान धनियाल जी को पुरस्कृत करने का कष्ट करेंगे। मैंने जी के द्वारा ये आपसे आग्रह है कि आप श्री गुरु सिंह जी का
बहुत ही प्रारंभ से हम जानते हैं जब ये चित्र निर्माण हो रहा था उस समय श्रीमान अनंत सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। आप वापासन के अध्यक्ष श्रीमान प्रेम सिंह जी उस समय जगदीश पंडा जी को एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं और संरक्षण लगता है जी हमारे संरक्षक श्रीमान प्रेम सिंह नेगी जी द्वारा प्रयास किया गया। इन्होंने बहुत अच्छा कवरेज किया है पूरे टूर्नामेंट का, उनके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है जी। और विजेता टीम के लिए केक की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है जो देश के पश्चात करना होगा। मैं भूमि का दोस्त शिवम एक बेहतरीन ऑलराउंडर। मैन ऑफ द सीरीज का बड़ा पुरस्कार उस समय मंच पर प्राप्त करते हुए संगम द्वार से बेहतरीन दो सौ 5 रन और 8 बल्लेबाजों को आउट किया है इस टूर्नामेंट में। और सभी क्रिकेटरों का, सभी दर्शकों का, सभी लोगों का आपका मन मोहा और साथ में 2500 रुपयों का नगद पुरस्कार भी इस खिलाड़ी को दिया जा रहा है। मंच पर इस समय बेहतरीन वातावरण, सारे लोग तालियों से इस खिलाड़ी का मनोत्साह करने से मिलता है। ट्रॉफी मैंने बच्ची भी सूरज रावत संगम क्लब द्वार कॉमेंटेटर के रूप में पंकज गैरी जी के द्वारा और साथ में समस्त सदस्य के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी अनुप्रिय आवाज के द्वारा और जो ज्ञान की जो धूम की जो बौछारे इस मैदान में बिखरी है और उस पुरस्कार के लिए मुख्य अतिथि आदरणीय सचिव सौराज जी के मेरे मंच में आमंत्रित करना चाहता हूँ। आजा भाई उस समय मंच पर श्रीमान जगदीश पंडा जी को उनके बेहतरीन आंखों के कहा सुनाने सभा का श्रीमान कैसे उनका आयोजन समिति के बहुत ही सशक्त थे और समस्त कार्यकारिणी के सदस्य और निदेश ने जो मिलकर के समय सुनील राज जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। तो एक बेहतरीन मौका हम सबके पास भरपूर सहयोग इस आयोजन को दिया संगना ग्रुप और सारी आयोजन समिति से नवाज रही है और वहाँ पर सभी जो सक्रिय सदस्य हैं आयोजन समिति के वो श्रीमान प्रवीण जैन ही, क्योंकि ये जो दोनों ट्रॉफीज है। तो अब आज के जो हमारे विशेष अतिथि हैं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्री मुकेश नेगी जी को हमारे आदरणीय श्री जीबू भुंडियाल जी और हमारे बड़े भाई श्री जी कार्यकारिणी के सदस्य संगनाथ गुरु उपस्थित है उनको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। तो इस तरह से सभी
सक्रिय सदस्यों के द्वारा इस समय श्रीमान मदन भंडारी जी को ये स्मृति चिन्ह है। इस मौके का एक गीता पाठ का उदाहरण है ये स्मृति चिन्ह। पुजारी मुख्य तौर पर है चिन्ह के समय हमारे मंच पर उपस्थित सभी सदस्य जनों के द्वारा ये स्मृति चिन्ह प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छी परंपरा है कि हम प्रदान कर रहे हैं।